इस समय हम शिकारी टॉप में खड़े हैं। क्या कंडीशन है, अपने अपने पैर में हाथ भी लगाने दे रहे हैं। देखना ये देखो, काफी इनके पैर में काफी पेन हो चुका हो रहा है। देखो इधर देखिए, पहला डे वन हमारी ट्रिप का, देसी सब्जी इसको कहते हैं, कसरोट देख लीजिए। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया और ये कम से कम हमारा 3-4 दिन का ट्रिप रहने वाला है। अपना सारा सामान जो हम साथ लेके आए हैं, और मैं इंट्रो करवा दूं, ये हमारे साथ मुकेश है। से हाय मुकेश। हाय गाइस, देखो अभी हमने, और ये हमारे विक्रम, और ये मंगू, ये तो आप इसमें जानते ही हो, और ये सबसे ये हमारा शेर, खतरनाक पार्टनर, ये हमारा शेर है। और आप हम लोकेशन बता देते हैं, ये देखो लोकेशन देखिए। तो गाइस हम आपको लगातार बताते रहे हैं ये पूरी ट्रैकिंग का सिलसिला। हमने ये ट्रैकिंग सार से स्टार्ट की और हम शिकारी टॉप, आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट इसके डबल हमने जाना ऊपर, ये दिख रहा है यहाँ से भी 4-5 किलोमीटर ऊपर जाना हमने चढ़ाई में। तो बताते रहेंगे आपके साथ कैसा एरिया, कैसा इलाका है, ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ हम। ये जो पहला दरिया देख सकते हैं आप, तो चलो ऐसे तो भाई ये हम जो ये ब्रिज है, काफी बड़ा हैवी ब्रिज है, चल जाओ इसी साइड से जाओ। से हाय मुकेश, मंगू से हाय। तो गाइस हाय, हाय गाइस, हेलो। हम ये हमारा दूसरा ब्रिज आ चुका है, दूसरा पड़ाव हमने पार कर दिया, ये हमारी जर्नी का दूसरा ब्रिज है। तो गाइस जो है सही, जो हमारी असली जो चढ़ाई है वो स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। तो लगातार अपडेट हम देते रहेंगे आपको, मोर अपडेट चला। चल एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आप इस ब्रिज को देख लीजिए पहले, ये बहुत ही पुरानी इंजीनियरिंग है, ये आप एक टाइप का ये सस्पेंशन ब्रिज आप इसको कह सकते हैं। इस पुल की खास बात ये है कि ये हिलता है, आप जैसे इसमें बैठेंगे जैसे इसमें आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे आपको हिल रहा है, इधर हिल रहा है, इधर इधर आप, मैं सनी आर जगह बोलता हूँ, अगर आपको दिखाएं आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मैं हिलाऊंगा इसको हिलेगा, ये तो काफी डर लगता है, कहने का मतलब ये है कि डर लगता है। तो गाइस ये हमारा लंच का टाइम हो रहा है, ये थोड़ा ना जाती है, और कहाँ से, कोटली से आती है, उधर से सनी वीडियो बना ना। देखिए मेरे ट्रैकिंग पार्टनर सारे बहुत काफी थक चुके हैं, बहुत ये विक्रम, ये सनी और ये मंगू, काफी थक चुके हैं हम, बहुत चढ़ाई चढ़ चुके हैं अभी तक। अभी जो हमारा मेन मोटो है वो है हमारा शिकारी हिल स्टेशन। जय हिंद। अभी हम बहुत खस्ता हालत है हमारी, इस टाइम हम जो एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, और अभी हमको कम से कम 20 मिनट हो गए इस जगह पे बैठे हुए, बहुत ही खतरनाक ये चढ़ाई है। और अभी तो हमने इस चढ़ाई का हमने 25% भी नहीं कवर किया है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा लगाएगी इसमें, आपने इसके बीज लगानी थी, इसके बीज क्यों निकलते नहीं फिर जिमी शेर भाई, इसको पास कर, ये क्या कर रही है, इसको पास कर, इसको ओके कर, यार तुझे मैं लड़की का नंबर दे देता हूँ, वो तेरे को छोड़ देगी, तुझे सेंड देना यार। जय हिंद। अभी का मैं बता दूंगा आपको, 9:40 हो रहे हैं, मतलब 10 बज रहे हैं। तो इस समय जो है हम अपने पहले बेस कैंप में हैं, हम डे वन की जो ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट हुई आज, और यहाँ पे हमने जो अपना कैंप लगाया हुआ है, हमारा खाना जो है वो खाना पक रहा है, मतलब काफ़ी लेट हमारा जो हम पहुँचे और लेट हमने कैंपिंग की, और काफ़ी टाइम लग रहा है। आग में दिखा दूँ आपको, आग थोड़ी बुझने दी है, मैं आग को ठीक कर दूँ। आग जो है लगातार हमको आग लगाई रखनी पड़ती है, क्योंकि आग बुझेगी और ये जो है हमारा चिकन जो बन रहा है
ये थोड़ा खराब हो जाएगा। और बकरा पक गया शायद, ये विक्रम थोड़ा और मारते हैं और और ये मैं बता देता हूँ आपको, हमारा जो कैंपिंग साइट है ये हमने, ये हमारा कैंप लगा हुआ है, हमारी स्टिक्स वगैरह, ये हमारी औजार हमारा दिखा देता हूँ मैं आपको, हमारी सेफ्टी के लिए जो है और हर काम के लिए काम आएगा, सबसे खतरनाक उस साइड आई है, और हाँ वो भी दिखाएंगे। और ये हमारा टेंट देख लीजिए आप, ये मुकेश को कहूँगा मैं एक बार टेंट दिखा दें आपको, ये टेंट के अंदर हमारे लौंडे लेटे हुए हैं, और ये हमारा जो है टेंट है, और एक सबसे इस टीम का, हमारी पांच आदमियों की टीम, छह आदमियों की टीम का एक सबसे खतरनाक और सबसे ट्रस्टफुल ट्रस्टवर्दी पार्टनर मैं आपको, फेथफुल पार्टनर मैं बताता हूँ आपको, आइए। हे जिमी, हाउ आर यू, ये हैं हमारी टीम के छः में पार्टनर, ये इस समय हमारे साथ आए हैं पूरी ट्रिप में, आज काफ़ी ये भी थक चुके हैं, इनको हमने खाना वगैरह दे दिया है। और तो सरप्राइज, हमारी जो टीम है जाग चुकी है, सुबह हो चुकी है मुकम्मल, ये हमारे अजय सिंह जी हैं, ये देखो अभी सो रहे हैं, आप एक ये सोया यहाँ पे, मुकम्मल ये हमारी पहाड़ी है, हमने उस टॉप पे जाना है, हमारे सहयोगी ये लगे एक काम में, खाना जो है ये सुबह का बन रहा है, काफी धूप जो है सुबह सुबह लग चुकी है, ये चपाती जो है, ये देखिए जुगाड़ हो रहा है, ये मिस्टर मुकेश, डे टू व्लॉग है, हम निकल पड़े हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई है, जो कि कौन सी अजय सिंह कौन सी रीजन है वो, ये दूसरा डे टू हम निकल चुके हैं, मुकम्मल पूरी पैकिंग हो चुकी है, आप पैकिंग देख लीजिए, पूरी पैकिंग हो गई और हम चल पड़े हैं, तो मिलते हैं आपके, आपको हम अपडेट देते रहेंगे, मिलते हैं आप, और हम जहाँ पे हिल पे पहुंच गए आपको मैसेज करते हैं, चल ये हमारे अजय जी हैं, सुबह की सब्जी चुन रहे हैं, देसी सब्जी इसको कहते हैं, कसरोट डीड भी कहते हैं हमारी भाषा में, देखिए गाइस कितना तगड़ा व्यू लग रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल स्कारी हिल स्टेशन पीछे सामने थी, ये देखिए हमारे लोग सुबह सुबह सब्जी लेने गए थे, पानी सब्जी, अजय सिंह आप क्या कहना चाहते हैं, आप कुछ सब्जी ले आए हैं, जरा दिखाइए, यहाँ पे बारिश का मौसम बन चुका है, गमली देखिए हम क्या सब्जी लेके, ये कसरोट की सब्जी कहते हैं हमारे इधर, और यहाँ ठंड, तो वो हमारे सनी आरजे ये कुत्ता लेके गए थे, हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ पे बड़े धीरे हैं, ये वहाँ सुबह 6 बजे के लगे अभी तक इनसे सब्जी नहीं बनी, ये हमारे जुम्मी जी ये तो रहे हैं सब्जी, ये राहुल ठाकुर यहाँ पे, बारिश लग चुकी है बहुत ही खतरनाक वाली, और हम आज लगता है यहीं स्टे करना पड़ेगा, निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, जय हिंद दोस्तों, ये हमारा जो डे 3 का जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है, आज का जो हमारा प्लान है वो है, हमने जो अपने सारा हमारा लगेज है वो हमने यहीं पे जहाँ हमारा स्टे था इसी घर में रख दिया, और आज हम बिना लगेज के जा रहे हैं, क्योंकि आज हमको वापस शाम को इसी बेस कैंप पर आना है, तो देखते हैं बताते रहेंगे आपको क्या है, आज हमारी तैयारी है कि हम आज हमारे फर्स्ट बेस कैंप में चले जाएं, तो देखते हैं कितना डाउन हो पाएंगे आज, और हम जाना कहाँ, वैसे हमें जाना, हमको मैं दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट तो हमारा ये टॉप है, ये टॉप कंप्लीट होने के बाद हम इसी लाइन में पीछे की तरफ चल पड़ेंगे, तो देखते हैं 2-3 घंटे का ट्रैक रहेगा ये भी जी, ये देखिए 2 लसेड़ हमारे साथ हैं जो, तो ये हमारे साथ जो हमारे सामने एक फल है, इसको कहते हैं हमारी भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं सलंदे, सलंदे कहते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए ये है, इसको कहते हैं सलंदा, अब इसको हम टेस्ट करेंगे, खट्टा मीठा सलंदा होता है ये, कुछ कच्चे हैं बीच में पक्के में, तो ये हमारे साथ रहे अजू सिंह राजपूत, तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा 3 डे की ट्रैकिंग का,
तो आप बताएं क्या ऑब्जर्व किया आपने स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि हमें आज तीसरा दिन है हमारे ट्रैक का। हम समझ लो दोपहर हो गई आज दिन की और तीन ढाई दिन हमको पूरे हो गए हैं चलते चलते। हमने जो अपनी ट्रैकिंग 60 से स्टार्ट की थी और 60 से हम डाउन हुए बिल्कुल अनस्लीवर के बिल्कुल बेस पे आके, वहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट की। हमको तीन दिन हो गया। तो ये पहाड़ देख लीजिए, पूरी पीर पंचाल रेंज आपको दिख रही होगी सामने। इस साइड ये बुद्धल का एरिया आ गया, ये चसाना संगली कोट पीछे वो वाला आ गया, फिर ये बलमत कोट एरिया आ गया, ये पीछे आ गया, फिर गुलाबगढ़ वाला एरिया देवल पीछे गुलाबगढ़ और पीछे मंगनार मणिमाल वाला एरिया आ गया। फिर इस साइड आप देख लो ये साढ़ मोहर एरिया, पीछे इस साइड बठोई और फिर दगन टॉप से लेकर के लपरी टॉप और सजरू और नीचे धरमाड़ी भी देख सकते हैं आप यहाँ से। ये सलाल डैम जो दिख रहे, सलाल डैम नहीं कह सकते हम, सलाल टॉप दिख रहा है हमको, और जो सलाल के पीछे वाली रोड है वो भी देख सकते हैं। और सबसे खास बात, रियासी का कोई जो सिटी वाला पार्ट है वो दिख रहा है, और चनाब रिवर का जो अखनूर की तरफ जा रहा है वो थोड़ा एरिया दिख रहा है। आज विजिबिलिटी उतनी सही नहीं है और ज़्यादा दूर तक हम देख नहीं पा रहे, अदरवाइज हम काफ़ी दूर तक ये व्यू हम देख सकते थे इस टॉप से लेकर के। ये हमारे साथ मेरे पार्टनर्स हैं, ये ट्रैकिंग पार्टनर्स ही आ रहे हैं, देखिए ये सब आ रहे हैं हमारे ट्रैकिंग पार्टनर्स। तो ये हमारे विक्रम सिंह हैं, चाचू हैं इनके, ये सब हमारे ट्रैकिंग पार्टनर्स हैं। ये देखिए घना जंगल कितना है, काफ़ी घना जंगल है। हम ट्रैकिंग अजू हम घने जंगल से गुजर रहे हैं। देखो अजू कैसा लदा हुआ है, मेरे बैग दिखाना, ये देखिए जनाब देखिए कैसे लदा हुआ है ये। इधर हम भी इस हिसाब से लादे, हाथ पीछे सब कुछ ऊपर नीचे। तो गाइस हम डाउन हो चुके हैं, हमने स्टार्ट कर दिया अपना डाउन ट्रैक। जो हमारा लास्ट बेस कैंप था वहाँ, बेस कैंप तो क्या ही मतलब कैंप था, वहाँ से निकल चुके हैं हम डाउन होने के लिए। ये हमारे लड़के थक बहुत जल्दी जाते हैं, अभी थोड़ा सा ही हम डाउन हुए और इन्हें रेस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। वैसे हमको, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक सेकंड, हनुमान बना हुआ है, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ढलान तो बहुत स्टीप है ये। मैं बता दूँ आपको कि हमको जो है, हम उस टॉप से डाउन होना स्टार्ट हुए हैं और हमको लगभग आज इस वाली टॉप के नीचे जाना है हमको। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, और आज शायद मेरे को, हमको लगता है इधर ही कैंप करना पड़ेगा। गाइस रुकने की कोई सुविधा, और हमारे लड़के बड़े बकचोद हैं, हमें निकलना ही है यहाँ से। तो सो गाइस फाइनली जो है कि हम डाउन कर चुके हैं, काफ़ी बुरी हालात हो गई है। और ये हमारे अजय सिंह जी, ये जंगल देख सकते हैं आप किस हालात में हम डाउन कर रहे हैं। हमको आज डाउन करना नहीं था लेकिन हमको आज डाउन करना पड़ा। आज हम बेस कैंप दरिया के पास लगाएंगे और कल सुबह, कल दिन तक हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो देखते रहिए आप, जंगल देख लो आप किस हाल का। आज का हमारा डे 3 ख़त्म होता हुआ। सनी आरजे जो काफ़ी थक चुके हैं, देखिए रोड पे लेटे हुए, देखिए रोड है ये। तो सनी आरजे से हाय, काफ़ी थक चुके हैं।
तो ये हमारे विक्रम जी हैं जो भी काफ़ी थक चुके, इनका लगेज भी काफ़ी बहुत बड़ा है। से हाय विक्रम। तो हमारे साथ एक हमारे पार्टनर थे, हमारे प्रोटेक्टर थे। देखिए इनकी क्या कंडीशन है, अपने अपने पैर में हाथ भी लगाने दे रहे हैं। देखना ये देखो, काफ़ी इनके पैर में काफ़ी पेन हो रहा है। देखो इधर देखिए, हाय रावल। तो ये भी काफ़ी थक चुके हैं, देखिए कितना बहुत बड़ा लगेज उठाया इन्हें। साथ में हमारे अजय सिंह हैं जो ये भी काफ़ी थक चुके हैं, इनका लगेज देखिए कितना बहुत बड़ा है, उठा रखा है इन्हें, काफ़ी थक चुके हैं। और ये मुकेश काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। डे 3 का ये जो ट्रिप एंड हो रही है, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का वेट करें। इनका लगेज देखिए, बहुत ही ज़्यादा लगेज है इनका। ये डांग देखिए इनकी। ओके थैंक यू। और बताइए कुछ इस ट्रिप के बारे में। क्या बताएं, काफ़ी थक चुके हैं हम। हमने हमारा जो आज का जो था टॉप से बेस तक पहुंचना, एक दिन में हमने ट्रैवल करा है। और जब हम बेस से स्टार्ट हुए थे टॉप तक, तो हम दो दिन कैंपिंग करके पहुंचे थे वहां पर। ये तो चीज़ ये है कि बताने लायक चीज़ है कि आज एक ही दिन में हम बेस तक पहुंच रहे हैं। अच्छा रहा, काफ़ी इंजॉय किया हमने, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह मिली हमें वहाँ पर। हमारे अजय सिंह राजपूत, आप बताइए कि आपका ट्रैकिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा आज का जो आप टॉप से लेकर बेस तक एक ही दिन में आपने ट्रैवल करा, क्या रहा, कैसा रहा, बताइए। हमने अपनी पूरी एनर्जी लगा के ये जो है हम टॉप से बेस मतलब रिवर तक जो हमारा लेवल था वहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारी जो टांगों और पैरों की बहुत खस्ता हालत हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम आएंगे। तो यहाँ हम जो है हम आज यहाँ स्टे करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टे, कल सुबह हम कल दिन तक हम अपने घर पर पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल जो ये ट्रिप बहुत बेहतरीन रही, नेचर एंजॉय किया हमने, एडवेंचर किया, बाहर रहकर दो दिन बाहर रहे, आज तीसरा दिन भी बाहर रहेंगे, तो बढ़िया रहा सब कुछ।